ऑलराइट गाइस, मैं हूँ वॉइस एक्टर नैथी और आप देख रहे हैं एक्टर्स एंड वॉइस एक्टर डबिंग टिप्स शो। जो लोग डबिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। एज यूजुअल मैं डबिंग के ही बारे में बात करूँगा और करता रहूँगा। जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में आप लोगों से कहा था, स्कोप इन डबिंग वॉइस वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, डबिंग वॉइस इंडस्ट्री में स्कोप बहुत है और अगर आप में वो स्कोप तक पहुंचने की पैशन है, वो जुनून है, तो आप उस स्कोप के मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम अगर किसी से मिलते हैं डबिंग के लिए और हम अपना वॉइस सैंपल उसको भेजते हैं और मानो हमारा वॉइस सैंपल सेलेक्ट ना हो, तो हम उनसे मिलना या कॉल करना भूल जाते हैं। इससे पता चलता है कि आपने जो बीच डाला है वॉइस एक्टिंग का, वो बीच ग्रो नहीं हो रहा है, वो रूट्स, वो पेड़ को बड़ा करने में आप उसका साथ नहीं दे रहे हो। आप उस बीच पर पानी नहीं डाल रहे हो ताकि वो पेड़, वो रिश्तों का पेड़ बढ़ता रहे और आपके कॉन्टैक्ट्स एक कॉन्टैक्ट के ज़रिए दूसरे कॉन्टैक्ट में फैलता रहे। और हाँ दोस्तों, एक कॉन्टैक्ट मिलने के बाद अगर आप उस कॉन्टैक्ट को भूलकर दूसरे कॉन्टैक्ट की ओर बढ़ते हैं, याद रखिए आपकी शुरुआत वो जड़ से ही हुई थी जहाँ से आपने अपना डबिंग का करियर शुरू किया था। तो डबिंग के स्कोप का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे कॉन्टेंट के बारे में आपको पता करना, लेकिन बहुत सारे कंटेंट से जुड़ने के लिए कौन से रास्ते की ज़रूरत है, कहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, किन लोगों से मिलना है, कैसे मिलना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। एक और बात दोस्तों, जैसे कि मुझे एक मैसेज आया था, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि ऑडिशन देते वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत है? नहीं दोस्तों, ऑडिशन देते वक्त आपको पर्सनली आपका कोई स्क्रिप्ट नहीं लेके जाना है, ये एक्टिंग नहीं, ये डबिंग है। ऑडिशन देते वक्त आप सिर्फ माइक के सामने जाएंगे, माइक के सामने बैठेंगे, आपसे वो लोग जो कहेंगे आपको वो करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप माइक के सामने जाकर बैठे कि क्या करूँ, नहीं। अगर आपके सामने स्क्रीन लगाया है, स्क्रिप्ट है, तो आपको अपना कैरेक्टर फॉलो करना है या वो लोग आपको एक वाइल्ड डबिंग स्क्रिप्ट देंगे वो आपको फॉलो करना होगा। ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी बातें जो फ़ायदेमंद हो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा अगले सेगमेंट में। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।